निगम की अंतिम सभा में महापौर धीरज बाकलीवाल ने अपने 5 साल में किए गए विकास कार्यों की उपलब्धियां गिनाई, तो वहीं विपक्ष ने पूरे 5 साल के कार्यकाल पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए 50 करोड़ की कर्मचारी निधि की FD तोड़े जाने का आरोप लगाते हुए निशाना साधा। दुर्ग निगम की अंतिम सामान्य सभा का आयोजन दुर्ग के मोतीलाल वोरा सभागार में आयोजित किया गया। इस दौरान दुर्ग महापौर ने पिछले 5 वर्षों का अनुभव साझा करते हुए किए गए कार्य की उपलब्धियां गिनवाई। साथ ही सदन में मौजूद सभी पार्षद और अधिकारी कर्मचारियों का आभार जताया। हो गया भाई, हो गया। यही सब चाहिए। मैं नहीं पीछे, दो दो पाइप से पानी ले रही। इस मौके पर सदन में मौजूद पार्षदों ने सभा के दौरान के कार्यों की सराहना की, तो वहीं विपक्ष ने आक्रोश जताया। वो सच्चा में बोलने के लिए, वो सच्चा में राज रहता है। अरे एक ही कर भारी। आपको बता दें कि इस अंतिम सामान्य सभा ने अपनी बात रखते हुए सभी विपक्षी पार्षदों ने आरक्षण, पानी की समस्या और 50 करोड़ की कर्मचारी निधि की FD तुड़वाने जैसे विषय पर अपना आक्रोश जताया, साथ ही अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई। एक परिवार के अंदर मोटर खरीदने में मिला रहा, लेकिन कार की चिंता नहीं किया। आज भी वार्ड नंबर 31 पर जल विजय का पाइप नहीं दिखा है। गाय की मौत की चिंता है, गाय की मौत की चिंता है। अगला वार्ड में रिसर्व जयंती वार्ड ऊपर एक पाइप नहीं दिखा। इस दौरान सामान्य सभा में बीच बीच में पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते देखे गए और कांग्रेसी पार्षदों के 5 साल पानी का संकट हुआ बेमिसाल की तख्ती दिखाकर विरोध किया। अरे मैं माल गली बोल रही, आप ही तो बोल रहे थे, आपको बोल रहा हूँ। मैंने नहीं बुलाया आपको मीटिंग में। हाँ, मेरा अधिकार है। क्या अधिकार है? मेरा अधिकार है। निकालो वीडियो, निकालो वीडियो। इस दौरान सामान्य सभा के पहले ब्रेक तक गहमा गहमी का माहौल निर्मित रहा, जिसके बाद सभापति राजेश यादव ने भोजन की घोषणा करते हुए सभा को 3 बजे तक के लिए स्थगित किया। इस दौरान नगर निगम में पहुंचे दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी, साथ ही पार्षदों ने प्रतिक्रिया दी। सबके माध्यम से दुर्ग शहर की जनता को दीपावली की मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। दीपों का पर्व है, उत्साह का त्यौहार है, जीवन के सारे अंधकार दूर हो जाए मैं प्रार्थना करता हूँ। और सारे हमारे भाइयों से एक ही आग्रह करता हूँ कि हम जो भी खरीदी करें, जरूरतमंदों के लिए खरीदी करें, चाइनीज लाइट आ गया, चाइनीज दीपक आ गए, चाइनीज सब चीज़ें हैं, हम ऐसे चीज़ों का उपयोग करें जो हमारे देश में बने। चूँकि दीपावली मिट्टी से जुड़ा हुआ गोवर्धन पूजा हम करते हैं, दीपोत्सव करते हैं, सुरुति हम लोग बोलते थे पुराने जमाने गांव में, दीपावली दिवाली पूजन को, लक्ष्मी पूजन को। लक्ष्मी पूजन में मिट्टी का ही लक्ष्मी माता और उस पर दीपक जलाया जाता था। गोवर्धन पूजा माटी से गौवंश से जुड़ा हुआ यह त्यौहार है, जिसमें हम सब गोवर्धन बनाकर उसकी पूजा करते थे, धान की बालिक पूजा हम सब करते हैं। और भाई दूज का त्यौहार भाई और बहन का ये है, यादव समाज के लोग उसे मातर मनाते हैं। सारे चीज मैं कहना चाहूंगा, धनतेरस में 13 दीपक जलाते हैं मिट्टी के, नरक चौदस में हम 14 दीपक जलाते हैं आटा के। ये सारे चीज हमको संदेश देते हैं, हमारे पूर्वज संदेश देते हैं कि आप मिट्टी से जुड़े। और आप सबसे मैं आग्रह करता हूँ कि माटी से जुड़े और स्थानीय कारीगर जो होना है उसको आप खरीदे। ये हम सबके लिए बहुत सौभाग्य और गौरव का विषय है। पहला ये है कि हमारे दुर्ग जिले में IIT भिलाई है,
और उसके पहले और दूसरे दीक्षांत जो एक साथ हो रहे हैं उसमें देश की गौरव हमारी प्रथम नागरिक और राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी आ रही है। ये सबके लिए सम्मान और गौरव की बात है, छत्तीसगढ़ के लिए विशेष गौरव की बात है कि पहला ये आयोजन माननीय राष्ट्रपति महोदय। अब नगर निगम क्या कर रही है इसके अंदरूनी की मेरे को जानकारी नहीं है। अब अभी आपके माध्यम से जो आप जो बोल रहे हैं उसमें मैं कहना चाहता हूँ कि जो संचित निधि होती है किसी भी निकाय के लिए हो, चाहे नगर पालिका हो, नगर पंचायत हो, या स्टेट गवर्नमेंट का भी जो बॉन्ड होता है वो एक सुरक्षा निधि होती है। वो बहुत इमरजेंसी के लिए उस पैसे को संचित करके रखा जाता है, और अगर टूटा है तो कोई बड़ा कारण होगा जिसके लिए वो तोड़े, चूंकि बीच में कोरोना काल भी आया था तो कारण क्या है उसमें पहले पूछ के मैं इसमें कुछ कर पाऊंगा। सफल तो हमको कुछ दिखता नहीं है, इन लोगों ने पूरे 5 साल में पिछले गवर्नमेंट और जो स्थानीय सरकार है कांग्रेस की, इसने पूरे 5 साल में एक ठगड़ा बांध बनाया। वो ठगड़ा बांध 18 करोड़ रुपए लगा है ऐसा समाचार पत्रों में भी पढ़ा, और मैं देखता हूँ कि 18 करोड़ की लागत में आज पानी वहाँ रखता नहीं है, पानी की समस्या है। बांध का मूल स्वरूप तो पानी से, और वहाँ पानी से नहीं है। गर्मी दिनों में मैं देखता हूँ कि वो पूरी तरह सूख गया, तो उसका औचित्य क्या। दूसरा, आप ही लोगों के माध्यम से समाचार पत्रों में ऐसा मालूम चला कि पूरा शहर का आधा से बड़ा क्षेत्र अंधेरे से पटा हुआ था। मुझे पहली बार, मैं शायद कोई ऐसा विधायक होगा जो स्ट्रीट लाइट के लिए मुझे पैसा देना पड़ा 40 लाख इस नगर निगम को। पिछले 5 साल से 2016 में जो इनके ही कांग्रेस के कुछ पार्षदों ने समाचार पत्रों में विज्ञापन स्टेटमेंट जारी किया था कि 2016 में जब चंद्रिका चंद्राकर जी महापौर थी तो उन्होंने 18,000 स्ट्रीट लाइट लिया था, और 5 साल गुजरने के बाद कहीं भी एक स्ट्रीट लाइट नहीं लगाया गया, ये विफलता है। आज समाचार पत्रों में हमारे पास कर्मचारी बार बार पेमेंट के लिए आते हैं, बहुत से जो रिटायरमेंट कर्मचारी हैं जो यहाँ जीवन अपना दिए हैं, उनका जो राशि जो मिलता है रिटायरमेंट, वो राशि आज भी 47 कर्मचारी ऐसे हैं जो रिटायर हुए हैं उनको वो राशि नहीं मिली है। बहुत बड़ी संख्या में आज भी जो किसी का निधन हो गया, अनुकंपा नियुक्ति है, वो पेंडिंग है। कुल मिला के जो नगर सरकार, कांग्रेस की जो नगर सरकार पूरी तरह से पहले है, जनता जिस उम्मीद के साथ इनको बैठाई उम्मीद में कहीं कोई प्रकार का खरा नहीं उतर पाया। पिछले सरकार में अभी कभी कोई बात नहीं आई, अभी लगातार इसी सरकार में जो दिक्कत आ रही है ये भी एक चिंता का विषय है। सरकार लगातार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार कचरा निष्पादन के लिए पैसा भी दी है और दे रही है, लेकिन कहीं न कहीं इनकी अदूरदर्शिता का परिणाम है जिसका खामियाजा सर को भुगतना पड़ रहा है। 100 दुकानों में 100 दुकानें बिकनी बाकी है जिसमें से केवल 28 दुकानें आरक्षित है, बाकी 68 दुकानों का आप क्यों नहीं बेच पाए, जनरल वर्ग के लोग खरीदने क्यों नहीं आए? तो ये सरकार आरक्षण विरोधी रही, केवल 28 दुकानों में आरक्षण है जिसे समाप्त करना चाहता है। इससे कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा उजागर हुआ है। यदि आरक्षण से प्रभावित होते तो 100 दुकानें नहीं बिकती, केवल 28 दुकानें। आप अपने कृत्यों को झांक के नहीं देखना चाहते माननी, आपने अपने गिरेबान में नहीं देखना चाहा कि आपके भ्रष्टाचार के कारण उस कॉम्प्लेक्स की लागत बढ़ गई, आपके भाई भतीजावाद के कारण आप दूसरों को दुकानें नहीं देना चाहते, आप थोड़ा दर को कम कर दीजिए। ये मेरा शहर है, नगर निगम ऐसी संस्था है जिस जो लाभ के लिए काम नहीं करती। माननीय व्यापार महापौर जी मूलतः व्यापारी रहे हैं और मूल स्वभाव नहीं जाता है। माननीय महापौर जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हम इस निकाय में व्यापार करने नहीं आए हैं, हम जन सुविधा के लिए आए हैं, तो आप उन दुकानों का रेट थोड़ा कम कर दीजिए और आरक्षण समाप्त जैसी कल्पना को अपनी बंद कर दीजिए और सभी दुकानों को, दर ज़्यादा हो उस पर कुछ बाध्यताएँ रहती है तो प्रदेश सरकार को भेजें। और ये परिषद लगातार विफल रही है, ये दुर्ग शहर की जनता चीख चीख के बोल रही है, यहाँ की सड़कें बोल रही हैं, यहाँ का घूमता हुआ गाय और कुत्ता बोल रहा है, यहाँ के जो इनको पानी नहीं मिल रहा है वो बोल रहे हैं। जे और क्या जाएंगे माननी, अभी आप लोगों में से कुछ लोग सुबेरे उठते होंगे, 5 बजे उठ के देखूँ भैया आधा अंधियार रहते तब लाइट बंद हो जाते। अब मैं तो पहले कहता हूँ ये बंगला में रहिया मान ला पारा मोहल्ला दिक्कत, जर्जर दुकान से डिप्रिसिएशन आना चाहिए। और कुल मिला के मैं चाहता हूँ कि इन फ्यूचर ऐसा महापौर इस शहर में आए जो लोगों की चिंता करे, उनकी जीवन शैली में जुड़ के देखे। इसी बात के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये महत्वाकांक्षा कभी नहीं रही मन में। भारतीय जनता पार्टी में अनेकों पार्षद हैं, अनेकों कार्यकर्ता हैं जो महापौर का कार्य बेहतरी से निपटा पाएंगे।
ये गमछा रखा हूँ, कमल का निशान मेरा प्रेम है, इससे जिसे टिकट देगी। एकमात्र सपना है, एकमात्र सपना है कि भारतीय जनता पार्टी का महापौर इस शहर में बैठे और प्रदेश सरकार से बेहतर रुपया लाए और इस शहर में आम लोगों के सुख दुख दर्द में भागी बने, इस शहर का विकास करे। ये कल्पना है, अपना बड़े बनने की कल्पना न रही है न आगे भी रहेगी। पूर्वजों के द्वारा बनाई गई संपत्ति को फूकने में बिगड़ी हुई संतान को कोई दर्द नहीं होता, वो कृत्य दुर्ग नगर निगम की महापौर ने और परिषद ने किया है। तीन कार्यकालों में कितनी एफडी टूटी ये भी जानना चाहिए आपको। उन तीन कार्यकालों में एफडी नहीं टूटी, ऐसी क्या दिक्कत आ गई कि 50 करोड़ रुपए की एफडी जो मेरे कर्मचारियों के भविष्य के लिए रखा था, जो मेरे शहर के रोड गड्ढे गली नाली भरने के लिए रखा था, जो यहाँ के आवारा पशुओं के नियंत्रण के लिए रखा था, जो यहाँ बिजली के संधारण के लिए रखा था, उस 50 करोड़ रुपए को कांग्रेसी परिषद ने अपने विधायक के नाम लिखाने में फूंक दिया। मानना है, भाजपा पार्षद दल का मानना है कि बुरी तरीके से हार विधानसभा और लोकसभा में कांग्रेस की हुई, इस बात का बदला वो दुर्ग शहर की जनता से ले रही है। इसीलिए जो 5 रुपये और 10 रुपये फीट विकास शुल्क लगता है उसे 40 रुपये कर देना, 45 रुपये कर देना, और जहां 20 रुपये फीट लगा करता था उसे 85 रुपये कर देना, ये कहां का न्याय संगत है। आज की आम सभा रखी गई है और बताया गया कि अंतिम सभा है। निश्चित रूप से हमारा कार्यकाल दिसंबर में पूर्ण होने जा रहा है, लेकिन एक गंभीर विषय है कि अब तक शासन द्वारा पार्षदों का आरक्षण नहीं किया गया है, जबकि समय सीमा पर आरक्षण हो जाना चाहिए। ये एक बहुत गंभीर विषय है। यदि आरक्षण नहीं होता है और आगे फिर चुनाव समय सीमा पर नहीं होता है तो यह लोकतंत्र के साथ कुठाराघात है और लोकतंत्र को समाप्त करने का ये षड्यंत्र माना जाएगा। किसी भी हालत में एक दिन भी प्रशासक बैठता है मतलब लोकतंत्र को आघात पहुंचता है। इसलिए मैं शासन से चाहूंगी तत्काल पार्षदों का आरक्षण करें। महापौर के बारे में भी जैसा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा अलग से चुनाव कराया जाता है, जो भी हो वह तत्काल हो जाना चाहिए। और साथ ही जो आज सामान्य सभा रखी गई है उसमें हमें पार्टी से ऊपर उठकर जनता के लिए सोचना चाहिए। जिस प्रकार से पार्षद निधि जो हर वर्ष मिलती है, इस वर्ष पार्षद निधि मार्च माह में हो जाना चाहिए था, लेकिन आज अक्टूबर निकल गया है, पार्षद निधि नहीं आई है। शासन से कोई भी राशि यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो रही है, तो पार्षद किस आधार पर कार्य करवाए। यहाँ तक लाइट के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं कि 4 महीने बाद तो लाइट आई है, और ले देके कहते हैं कि 3 लाइट हर वार्ड में दी जाएगी। 3 लाइट से क्या होगा? आज दीपावली के समय में पूरे वार्डों में अंधेरा छाया हुआ है, लेकिन चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। इसके लिए चाहिए था कि हम सब पार्षद मिलकर एक साथ होकर शासन प्रशासन से लड़ते, विधायक महोदय से भी लड़ते, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। महापौर जी और विधायक महोदय को स्वयं देखना चाहिए था कि यहाँ पर जो अव्यवस्था है लाइट की, अव्यवस्था है काम की, उस पर तत्काल निगरानी करना चाहिए था और कार्य करना चाहिए था, लेकिन वैसा नहीं हो रहा है। और यह एक बहुत बड़ी लापरवाही है और शासन की भी लापरवाही मानूंगी मैं, और यहाँ के हमारे जनप्रतिनिधि जो महापौर विधायक हैं उनकी भी लापरवाही मानूंगी। साथ ही आज जो एजेंडा रखा गया है, जल परिसर जल घर में जो दुकानें बनी है, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि वह दुकान का मैंने जिस समय भूमि पूजन हुआ, मैं जल प्रभारी थी, मुझे तक के नहीं बुलाया गया था। और भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच में जब चुनाव था, आनंद फानंद में चुपचाप तरीके से उसका भूमि पूजन कराया गया था। मैंने घोर विरोध किया था, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं माना गया। आज स्थिति क्या है? हमने शासन से इतने राशि लेकर दुकानें तो बना दी, लेकिन वह दुकान आज रिक्त पड़ी है और नीचे मछलियों का घर बन गया है। ऐसे में नगर निगम को
कितना नुकसान हुआ है, नगर निगम को नुकसान मतलब जनता का नुकसान। इस नुकसान के लिए हमारे पूर्व के महापौर शिव कुमार जी थे उस समय तमेर साहब, मैंने उस समय भी उनका विरोध किया था, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर दुकान बनाई गई। आज स्थिति यह है कि दुकानें जैसी की जैसी पड़ी है, जर्जर होते जा रही है और दुर्ग नगर निगम को नुकसान होते जा रहा है। ये सब स्थितियों को देखते हुए आगे भविष्य में ऐसा कोई कार्य ना करे, मैं आह्वान करती हूँ जनप्रतिनिधियों से कि ऐसे कार्य ना करे जिससे नगर निगम की जनता को नुकसान हो, और जनता का नुकसान इससे बड़ा कुठाराघात नगर निगम का और कुछ नहीं हो सकता। धन्यवाद। ये दो जगह में दुकान निर्माण हुए, टोटल 118 दुकान, जिसमें के 18 दुकान की बिक्री हो गई है, इसमें लिखा है सामान्य सभा के पत्रक जो आया इसमें, और उसके बाद में ये लिखते हैं 100 दुकान बाकी है। तो इसमें उनका नहीं बिकने का कारण लिखते हैं कि आरक्षण के कारण सामान्य वर्ग के इच्छुक व्यक्ति भाग नहीं ले पा रहे हैं, आरक्षण के कारण। इनकी शब्द देखिए, आरक्षण को इतना मतलब ये ऐसा समझ लिए हैं जैसे कि हमारे कारण हम दोषी हैं। आरक्षण में जो लाभ ले रहे हैं पिछड़ा वर्ग, ST SC सैनिक है, विकलांग वर्ग के हैं, ये आरक्षण के इसमें दोषी उसको बनाया जा रहा है, ये दोषी हैं, इनके कारण दुकान नहीं बिक रही। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए आरक्षण को दोषी बनाया गया है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। और कांग्रेस हमेशा से आरक्षण विरोधी रही है, ST SC को बरगला करके हम दे रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं आपके लिए, ऐसा कर रहे हैं, वोट बैंक की समझती रही, आज जनता जाग चुकी है। आरक्षण को ये देखिए, कांग्रेस की सरकार है, यहाँ कांग्रेस की सरकार आरक्षण को ख़त्म करने में लगी हुई है, और कांग्रेस की पूरे देश में मालूम है कि किसके साथ है और कैसे वो काम करती है। ये घोर निंदा के कारण है, निंदा है, बहुत निंदा करता हूँ मैं। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।